सोनिया, ओ सोनिया, अरे सुनती हो सोनिया? बोलो ना, क्या बात है बताइए। अरे मेरे कपड़े धोते तुमने? नहीं धोए नहीं थे। कहाँ धोए तुमने मेरे कपड़े? ये कपड़े, अरे ये मशीन ले आया हूँ, ये कपड़े तुमने धोए नहीं है बिल्कुल भी। मुझे नहीं आती मशीन। कोई काम आता है? नहीं आता है। बाप के यहाँ से कुछ सीख के आई हो? नहीं आई हो है? ना तुम पे रोटी बनानी आई, रात को तुमने रोटी बनाई सारी रोटियां जला दी, सब्जी तुम पे डंकी बनती नहीं, कभी नमक ज्यादा तो कभी कुछ। बताओ क्या करूं, दूसरी शादी कर लाऊं? दूसरी शादी का नाम भी मत लेना, हाँ सोच लेना। अगर तुम ऐसे करते रही तो मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा, ये ध्यान रखना। तुमसे ही अच्छी लेके आऊंगा बढ़िया, जो खाना भी अच्छा बनाएगी, टाइम पे कपड़े भी धोएगी मेरे, और मेरे हर चीज का ख्याल रखेगी, ये ध्यान रखना। अब मेरी सुन लो, मुझसे अच्छी तो यहाँ इस घर में है भी नहीं, और ना मुझसे अच्छी आ सकती और ना मुझसे अच्छी ला सकते तुम। देखो मुझसे बढ़िया नहीं मिल सकती, देखो जी इस तरह। तुम तो लार लटपक रहे, तुझसे बढ़िया नहीं हो सकती। अरे काम ढंग का करेगी नहीं, कपड़े धोएगी नहीं, खाना बनाएगी नहीं, है मेरी चीज का ख्याल रखेगी नहीं, मेरा ख्याल रखेगी नहीं, तो बता क्या करूंगा, तेरा अचार डालूंगा या? बाप ने कुछ सिखाया तुझे? देखिए मैं पतिवृता औरत हूँ, मैं अच्छी तरीके से घर को चलाना। और तो फ्री डोलनी, और तो फ्री डोलनी, पतिवृता है तो फ्री डोल रही, वो तुम्हारे लिए फ्री नहीं डोल रही, ये ध्यान रखना। कोई अच्छी सी लेके आऊंगा, बढ़िया लेके आऊंगा और अच्छा रहूंगा, ये ध्यान रखना। अगर आगे से ये गलतियां हुई और कल मेरे कपड़े या धोए नहीं मिले, बताइए मशीन लेके आया हूँ किस लिए लेके आया हूँ? पहले तो ये चश्मा ना इधर से इधर रख लिया कर। अरे चश्मे का क्या करेगी? अबे मैं इसमें आ जाऊं, मेरी मर्जी, मैं चश्मा लगाऊंगा। अब एक नहीं दो दो लेके आऊंगा। अच्छा ये बता, तो तुम लेके आना, मैं भी देखूंगी कैसे लेके आओगे। अरे तो ध्यान रखना, केस डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर, और दूसरी शादी का नाम भी लिया तो। अरे केस डालेगी? तुम लेके आओगे ना? अच्छा क्या होगा, तुम उसे टिकने ही नहीं दूंगी इस घर में। ओहो चल तेरी यही बहस है? बहस रही, मैं तुम्हें फिर भी बता, चिंता मत कर, अब दूसरी लेके आनी है। दूसरी ले तू, तेरी बात पे दूसरी लेके आनी है मुझे। इस चीज की मुझे धमकी मत दो, चिंता मत कर, दूसरी लुगाई लेके आऊंगा मैं। अब देखो जी ऐसी बात ना करो, अब नहीं मानूंगा मैं, दूसरी लुगाई लेके आऊंगा। इस तरीके से मत ना करो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कैसी बातें? ऐसी बातें मत करो। अरे तुमने बात कैसे कर दी पुलिस वाली, अब दूसरी लुगाई लेके आनी है मुझे, अब नहीं मानूंगा मैं बिल्कुल। फांसी हो जाएगी, फांसी। अरे फांसी हो या कुछ भी हो, कम से कम टाइम से कपड़े तो मिलेंगे धोते हुए, कम टाइम से कपड़े मिलेंगे, टाइम से रोटी मिलेगी। तेरी तरह नहीं लिया मोबाइल और पड़ गया साहब, कभी कभी मंगाएगी रसगुल्ले ला दो सफेद वाले, कभी पीले वाले, तेरे लिए खाने को जो चाहे वो मंगा लाता रहूं। हमारे हमारे कुछ ख्याल नहीं रखे तू। काम क्या तुम्हारी मम्मी जी करती है इस घर का है? और कौन करे? हाँ कौन करे, मैं करती हूँ सारे घर। हाँ ये काम है ये। हाँ। ये पढ़ो, ये कीड़ो, ये कबाड़ा पढ़ो, ये घर में ये काम है। और इस बात की कह रहे हो कि मशीन मैं अपने घर से लेके आई हूँ सारे। अरे घर से लेके आई है मशीन? तुम घर से लेके आई हो, ये बताओ चलाएगा कौन? चलाएगा घर वाले थोड़ी चलाएंगे, मशीन तो आप भी चलाओगी। अरे तो कोई बात नहीं, रखी रहने दो, उसका क्या बिगड़ रहा है? और क्या फिर क्या है, सब एक तो कबाड़े के भाव। क्यों बेच दे कबाड़े के भाव, रखी रहेगी तो क्या कुछ बिगड़ रहा है इसका? जो एक साल में वारंटी खराब हो जाती है। अरे कुछ नहीं हो रही, तुम्हारी भी तो गारंटी खराब हो रही है। अच्छा चिंता मत, मेरी वारंटी खराब हो रही है तो टेंशन मत ले, अब तो दूसरी लेके आनी है। तेरी बात भी दूसरी लेके आनी है, ये ध्यान रख। सोनिया, अरे सोनिया, सोनिया, अरे कहाँ मर गई सोनिया? क्या है? ये ले आगे तेरी छोटी बहन, स्वागत कर इसका। तू कह रही थी ना दूसरी, ले आया मैं दूसरी, अब कर तू क्या करेगी? चल एक काम कर, पहले तो तू बोलेगा आरती की थाली ले, स्वागत कर। तुमने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया, देख लेना मैं। हाँ जो किया मैंने सही किया। पहले क्या किया तुमने? दीदी जी राम राम। क्या नमस्ते है? क्या नमस्ते? अरे चिल्ला कैसे रही है? तुझे ये समझ में नहीं आई कि इसकी बीवी होते हुए है, इसके पास बच्चे होते हुए कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, तूने मेरा घर बिगड़वा दिया है। कहाँ से लेके आया इस बदतमीज को? अरे घर बढ़वा दिया इसने। हाँ। अरे ये लेके आया हूँ, तू क्या इतने ना दूसरी लाके दिखाओ, दूसरी ले आया मैं उसको सुंदर लेके आया हूँ, ये देख मैं चांद का टुकड़ा बढ़िया लेके आया हूँ मैं। उससे सुंदर तो पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा ऐसा है, ज्यादा नाटक नहीं करते, मैं लेके आओ आरती, लेकर आरती करो। जाओ मैं आरती तुम लोगों की ऐसी उतारूंगी कि सात तुम सात जन्मों तक भी याद रखो, जो फेरे पड़े थे ना उसमें मैं हवन कुंड नहीं तांडव करवाऊंगी तुम्हारा। तांडव? हाँ देखो आरती ऐसी उतरवाऊंगी तुम लोगों को, तांडव करवाएगी किसका? और इसे तो मैं घर में रुकने नहीं दूंगी। किसको? इसे। देख एक बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन, शादी तो कर लाया मैं ठीक है, अब ये तू भी पत्नी है मेरी। अरे प्रूफ दिखाओ मुझे पहले। प्रूफ? किस? अरे पूरा किस पूरा प्रूफ है, शादी की है। अरे देख मांग भरी है, देख मेरे हाथों पे देख। अरे मांग भरी, सुन मेरी बात सुन। देख ज्यादा बात बढ़ाने से फायदा नहीं है, मेरे मंगलसूत्र देख सब चीज है, समझ गई? शादी तो हो गई मेरी,
एक बात देख, आरती लेके अंदर से, आरती कर रही है तो कर, इसको अंदर ले जा, समझे? नहीं तो एक बात ध्यान रख, तुझे भी घर से बाहर खड़ा कर दूंगा निकाल के। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, दो कौड़ी की औरत के पीछे बाहर निकालो। जवान को लगाम दे, चुप रहो, जवान को लगाम दे, जवान को लगाम। मैं इसलिए नहीं, शादी हो गई मेरी, मैं कुछ नहीं जानता, शादी हो गई। तूने, मैं तुझसे कहा था सारे काम तूने मेरे गलत किए, तूने रात को मुझे धमकी दी, मैं शादी कर लाया। अच्छा, तो ये तुम्हारा कौन सा काम? ये तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने पति को धमकी देती हैं, उनका काम ढंग से नहीं करती हैं, तभी पति मजबूर होके दूसरी शादी करके लाता है, ये होती है, ये ध्यान रखना। अगर तुम जैसे पति औरत को मजबूर करते हैं, अगर औरत दूसरी शादी कर ले तो तुम्हारी इज्जत पे धब्बा लग जाता है, हैं? और अगर आदमी कोई काम कर दे तो इज्जत के फूल फूल बिखर जाते हैं। अरे है? कैसे फूल बिखर जाते हैं? औरत गलत होगी तभी तो आदमी गलत काम करेगा। औरत ही गलत होती है, आदमी कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं होता है, ये ध्यान रखना। शादी के बाद तू क्या मूड हिला रही है ऐसे? इससे कुछ नहीं कहोगी, बाहर निकल यहां से, इससे कुछ नहीं कहोगी, ये ध्यान रखो तुम, इससे कुछ नहीं। ये मेरी पत्नी है, आज से तुम्हारी छोटी बहन है, इसे अंदर ले जाओ। छोटी बहन? मेरी छोटी सौतन। हाँ, कुछ भी समझो, बन के आई है डायन कहीं की, कुछ भी समझो, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसे अंदर ले जाओ। इसने मेरे पूरे घर में आग लगा दी, बर्बाद कर दी, मेरे छोटे छोटे बच्चों का बाप छीन लिया उसने, पति छीन लिया मेरा। कौन सा पति छीन लिया? कौन सा पति? तुम पति? अरे हम तो पति है ही है, हम तुम्हारे भी, इसके भी, इसके भी है पति। तुम पुराना मानो तो एक बात बोल दूं मैं। अरे बोलना नागन, जहरीली बोल। मैं तुम्हें साफ बताऊं, इज्जत कर रही हूँ मैं तुम्हारी बड़ी हो, क्योंकि तुम मेरी पैर छू तुम्हारे में। हाँ, ऐसा मत कहो, तुम्हारे पति है तो पति मेरे भी है, वो बच्चे मेरे भी हैं, क्यों जी बता दो आप। अरे तो समझदारी है, देख ले बढ़िया ही लेके आया, काम भी बढ़िया करेगी, समझे? अब काम क्यों करोगी? अब काम मैं कर दिया करूंगी, मैं छोटी ना हूँ। और जी ऐसी बात मत करो, आखिर ये घर तुम्हारा है तो घर मेरा भी है। जी ऐसी बात ना चलेंगी। ऐसी बात मत समझना तुम, सर आंखों पे रखूंगी, सर आंखों पे। क्या बात है, तुमने मुझे घर से निकालने की धमकी दे दी है ना? गुस्से में बोल रहे हैं, पति तो आपके भी हैं, वो ऐसी थोड़ी ना तुम्हें बाहर निकाल देंगे मेरे होते हुए। आपको कहीं बाहर ना निकलने दूंगी। एक काम कर, नाराज मत हो, गुस्सा थूक, जो हो गया वो हो गया, अब आरती थाली ला, आरती उतार और अंदर ले जा, समझे? अजी कुछ कहना था आपसे। कहो। मैं ये कह रही थी, जीजी अभी फिलहाल बहुत गुस्से में हैं। हाँ, अभी, तो है। अभी तो उनसे कुछ कहना सुनना सही बात नहीं होगी हमारी, ठीक है, और ना ही आपकी। आप भी, मेरा ये कहना है, बड़ी है, कोई बात नहीं, मैं उनकी छोटी हूँ, मैं उनकी थोड़ी सी सुन लूंगी, कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है। मैं ये चाहती हूँ आप भी गुस्से में उनसे कुछ कहना मत, जाकर आप भी प्यार से बात करना, है तो वो आपकी पत्नी है, पहले उनका हक है बाद में मेरा हक है। मैं नहीं चाहती हूँ जमाने वाले ये कहें कि लो ऐसी सौतने होती हैं जो घर बिगाड़ देती हैं। मैं ये अपने ऊपर ना आरोप नहीं लगाना चाहती जमाने वालों का, मेरे माँ बाप भी मुझे फिर बुला भला कहेंगे। देखो मुस्कान, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आज शादी हो गई हम दोनों की, ठीक है, जो होना था वो हो गया, घर में आ गई, ठीक है। अब तुम्हारी जो बड़ी जीजी जो भी काम बताएं उनसे काम पूछ के करना, ठीक है, सारे कामों को करना, मैं तो जा रहा हूँ बाहर, ठीक है, ठीक है। हाँ, जो वो कहे वो काम करती जाना, ये ध्यान रखना आप। जी बिल्कुल, किसी बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। नहीं नहीं, और आप ये वाले कपड़े उतार देना, अच्छे नहीं लग रहे, दूसरे पहले में जो मेरे घर वालों ने दिए हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं ये मशीन में धो दूंगी, मुझसे आते हैं धोने मशीन, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो काम बताए वो काम करना, ठीक है। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। हाँ जी, ठीक है। और कुछ लेके आना है बाजार से बता देना, मैं शाम को आऊंगा बाजार काम पे से। मैं ये कह रही थी आपसे राज, आप ना जीजी के लिए एक तो गजरा लिया ना, बालों को ना बहुत पसंद है गेंदे का, और ना उनके लिए सफेद वाले रसगुल्ले का डिब्बा जरूर लेकर आना, और रेवड़ी। अबे उसके बारे में क्या, गजरे रसगुल्ले तो क्या हो गया है, तो मेरी बड़ी है ना यार। देखो मुस्कान, तुम कितनी बढ़िया हो, तुम भी उसके बारे में सोच रही हो। कोई बात नहीं, उनकी बातें बर्दाश्त करने की आदत सी पड़ जाएगी, कोई नहीं, कुछ दिन करेंगे उसके बाद वो भी समझ जाएंगी। उसने तुम्हारा इतना तिरस्कार किया, तुम्हारा मतलब तुम्हारी बेइज्जती गई, तुम्हें तब भी कुछ नहीं हुआ तुम्हारे लिए। बड़ों का काम है कहना, छोटों का काम है के मानना, सुन लेना। चलो हाँ, आप लेकर आना, ठीक है, मैं चलती हूँ काम में लगूं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। घर में तो आ गई है ना, लेकिन इसे चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगी। चार दिनों में घर से बाहर ना निकाला ना तो मेरा नाम भी सोनिया चौधरी नहीं, इसे भी बाहर का रास्ता दिखाऊंगी, ठीक है। इतना काम करवाऊंगी इससे, है कहाँ ये, बुलाती हूँ अभी।
मुस्कान, अरे वो मुस्कान। हाँ जीजी। कहाँ पे? अरे अंदर थी जीजी। मैं कितनी आवाज लगाई तुझे? अरे जीजी मैं बिस्तर लगा रही थी। बिस्तर लगा? किसका बिस्तर लगा रही थी? उनका। क्यों, उनका? किनका? राहुल का। राहुल का? तेरे में तमीज नहीं है? हाय राम, पति का नाम लेती है तू, हमारे नाम नहीं लिए जाते? राहुल का यार, इस लड़की ने तो हद कर दी। दो दिन घर में आए हुए नहीं हुए, राहुल का। तुझे पता है मियाँ का नाम लेते हैं कोई? तुझे सिखाया नहीं? बुद्धि नहीं है तेरे में? मैं तो प्यार में राहुल कहती हूँ। प्यार में राहुल? राहुल प्यार में जब कहती होगी कहती होगी, लेकिन यहाँ मेरे सामने मेरे पति का नाम नहीं लेगी तू? तो राज कह दूँ? राज भी नहीं कहेगी। राज और फलाना, और तू राज करेगी उस पे बैठ के? राज कहेगी तो? वो तो उनका नाम है ना। सुनते हो जी, ऐसे बोल दो। उसके उसके अभिषेक के पापा, लड़के का नाम है मेरे अभिषेक। अच्छा। के पापा बोल दिया कर। तो उन्हें पसंद नहीं आएगा? वो तो मैंने तो हमेशा उन्हें नाम से ही पुकारा है ना। नाम से पुकारा होगा, लेकिन मजा पुकारा होगा। मुझे नहीं पता थी तुम दोनों में क्या गुटरगू चलती थी पहले। अगर मुझे पहले पता लग जाती ना, तो तुझे इस घर के दर्शन नहीं करने देती मैं। चल ठीक है, जो भी हुआ मेरी किस्मत फूटी, जो तुम जैसे निकम्मी एक तो आदमी से पैसे नहीं गई ना। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या कहना। ऐसे मत कहो जीजी, आखिर है तो वो तुम्हारे भी पति ना। मेरे पति है तो मैं अपने पति को कह रही हूँ ना। तो पति तो मेरे भी है ना। आप चुप रहे, बहुत चबड़ चबड़ मचा रही है और काम बता रही हूँ तुझे। जीजी बुरा लगता है, आखिर वो मेरे भी पति हैं। तुम्हें बुरा लगता है? तुझसे पहले मैं इस घर में आई हूँ, समझ में आ गई ना? तो जीजी मैं सम्मान देते रही हूँ तुम्हें। सम्मान? बड़ी सम्मान दे रही है, ना सर पे ना पल्ला ना ओला, कुछ भी ना करके रखती है। अब जीजी आप तो मेरे साथ है ना, इसलिए नहीं रखा। साथ हूँ मैं तो। हाँ तो बड़ी जीजी से भी हमारे यहाँ पल्ला ओला करते हैं। अच्छा ध्यान रखूंगी आगे से। आगे से ध्यान रखिए। मैं तुझे काम के लिए बुला रही थी। काम बता रही हूँ, सारे घर का काम करना है। पर्दे धोने हैं, बेडशीट की चादर धोनी है, सोफे के उसके कवर वगैरह धोने, फ्रिज का उसका सबका धोना है। जी जी आपने काम बता दिया, वो भी काम बता गए। उनके कपड़े पहले धो के मुझे मशीन में और प्रेस करनी है, वो शाम को जल्दी आ जाएंगे। ना रे ना, मशीन से हाथ मत लगाइयो, पागल हो गई है? हाथ किस लिए दिए तुझे भगवान ने? लुंज है तू, टूट गए हाथ तेरे। जी जी ये तो उन्होंने ही कहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। हाथ से धोएगी कपड़े? मैं अपने मायके से लेके आई हूँ मशीन, मैं नहीं धोने दूंगी उसमें। मैंने नहीं धोया आज तक, तो तू क्यों धो रही है? लेके आई है अपने घर से कुछ? क्या लेके आई बताइयो? जी जी एक जोड़ी कपड़े में आ गई थी बस, कुछ नहीं लेके। भाग के आते हो ऐसे ही आते हैं। हाँ जा जाके काम कर ले, और कढ़ाई पनीर बना दी, मुझे थोड़ा पसंद है खाने में। जा, मेरी शक्ल देख रही है? मुस्कान, ए मुस्कान, मुस्कान क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आप आ गए? अरे आ तो गया मैं, ये बताओ रो क्यों रही हो, क्या हुआ? वैसी रो रही हूँ, घर की याद आ रही है। घर की याद आ रही है? हाँ। सच सच बताओ तुम्हें मेरी कसम है, क्या बात हुई बताओ? कुछ नहीं, सोनिया ने कुछ कहा क्या? कुछ कहा सोनिया ने? उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करी है आज। अच्छा? हाँ। क्या कहा? मैंने कहा, जीजी ने आवाज दे रही थी, मैं गई उनके पास। मैंने कहा जीजी आप इतना सारा काम बता रही है, मैं काम तो सब कर दूंगी, पहले उनके कपड़े धो दूं मशीन में, जल्दी धुल जाएंगे। अच्छा। वो आएंगे ऑफिस जाने लगे, फिर सुबह को मैं प्रेस कर दूंगी। फिर क्या हुआ? खबरदार, मेरी प्रेस उससे हाथ लगाया, मशीन से और प्रेस से, तू तो एक जोड़ी में आ गई भाग कर। अच्छा ऐसा बोला उसने? जहाँ से बात करी उन्होंने मुझसे। उसकी ये हिम्मत, तुम लो यार, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, अब तुमने ये रसगुल्ले मंगा लिए उसके, और गजरा तो मिला ही नहीं उसका। कोई बात नहीं, आप उन्हें जाके मुंह मीठा कर दो, जाओ, मेरे लिए कुछ मत कहना तुम। अच्छा रुक जाओ, उसकी अभी खबर लेता हूँ मैं। नहीं कुछ मत कहना, ये मजाक, रुक जाओ, पहले तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है? उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करी है आज। कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ उस पे जाके, ठीक है? बस चुप हो जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, चुप हो जाओ, ठीक है मुस्कान? हाँ ठीक है। सोनिया, क्या है? अरे टेढ़े मुंह से बात क्यों कर रही है? और क्या, सीधे मुंह से बात करूं? पहले ये बता तूने मुस्कान से क्या कहा? कौन सी मुस्कान? मैंने कौन सी मुस्कान? मुस्कान को अपनी छोटी बहन से, मेरी भाई से। ये क्यों नहीं कहते कि तेरी सोच से? अरे कुछ भी समझ ले तू। अच्छा तेरे कर्मों से ही आई है, ये ध्यान रखियो तू। तेरे कर्मों से? हाँ तेरे कर्मों से। दो और ले आओ इस घर में, मैं तब मान जाऊँ। कहाँ पाके मैं तुम मर्द, चिंता मत कर, दो और ले आऊंगा मैं। मर्द की तो इतनी कुब्बत होती है, दोनों साथ ले आए। सर पे चार बाल है ना, दो दिन में उखड़ के कुछ नहीं होता है सड़क पे। कुछ नहीं होता है, मर्द की बाजुओं में दम होना चाहिए, मुंह में जान, जेब में पैसे, बस ये ध्यान रखना। नहीं कर सकते हो, दुनिया में कोई बड़ा काम तो कर नहीं सकते। अच्छा गाल मत बजा, पहले ये बात बता मुझे, तूने मुस्कान से कहा क्या, ये बता। मैंने पता है कैसे रो रही है? पहले ये बताओ इसमें क्या लाए हो?
अरे मैं इसमें कुछ भी लाया था, इसमें जहर लाया हूं। इसमें क्या लाया? ये बता पहले, मुझे ये बता इसमें क्या लाए हो। मैं इसमें क्या लाऊं? हाँ। अबे वो तेरे लिए इतना सोचती है। हाँ। बेशक कल परसों की आई हुई। हाँ। तेरे इन्हीं कर्मों से मैं दूसरी लेके आया, और वो तेरे लिए कितना सोचती है मालूम है? हैं? क्या? तेरे लिए रसगुल्ले मंगवाए उसने व्हाइट वाश। एक मिनट मुझे दो। हाँ मैं बता रही हूँ क्या है। हाँ, खाने में जीभ तेरी लप लप करे। मैंने उससे कुछ नहीं कहा था, बस थोड़ा सा काम बता दिया था। क्या काम बता दिया था? कुछ नहीं, वही घर का काम बता दिया था। घर का काम बता दिया? इतनी मशीन के पीछे क्या कहा उससे? क्या कहा? मशीन के पीछे, कपड़ों के पीछे। मशीन के पीछे? देखो मशीन तो मेरी है, तो मैं उसमें वो दे नहीं सकती धोने के लिए कपड़े, है का नहीं, खराब हो जाएगी धोने से। अच्छा। हाँ, हाथ पैर दिए, लुंज नहीं है, लंगड़ी लुंगड़ी नहीं है। मेरी बात सुनो, इस घर में मशीन बेशक एक है, लेकिन वाइफ मेरी दो है, एक तुम दूसरी मुस्कान। चलो कम से कम ख्याल तो आया, मेरी पहली बीवी। जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक उसका है, ये ध्यान रखो, समझ गई? और आज जो तुमने उसके साथ किया है ना, आगे सुनना लू, ये ध्यान रखना, आगे से अगर उसकी बेइज्जती हुई तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, ये ध्यान रखना। घर से बाहर निकालने की धमकी मत देना, ऐसा केस डालूंगी ना जिंदगी भर जेल में चक्की पीस रहा है। मुझे लगता है मम्मी पापा भी नहीं निकाल पाएंगे, देख ले, और साथ में वो भी जाएगी जेल तुम्हारे। फिर कर रहे केस की बात, एक और ले आऊंगा, तीन आ जाएंगी। मान जा मेरी बात, अब फिर सुधर जा, अभी तो एक दो हुई है एक से, अगर ज्यादा केस की बात करेगी तीन आ जाएंगी, जेल की बात करेगी चार आ जाएंगी, ये ध्यान रखियो, समझ गई? अब पहले ये बता, खाना फाना बनाया तुम दोनों में से किसी ने? नहीं, मुझे नहीं पता, भूखा ही मरना पड़ेगा। मैंने बनाना छोड़ दिया, घर की मालकिन वो बना दिए, मैंने उससे पूछे क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और सुबह से कुछ बनाया है नहीं, भूखी बैठी हूँ मैं तो। अरे वाह निकम्मी औरत, तूने भी काम बेकार कर दिए। निकम्मी और क्या, तूने भी काम से जी चुराना चालू कर दिया। क्यों? जब वो इस घर में आई है। अरे मेरी बात सुन, वो नहीं है, वो नहीं है, उसको काम तरीके से बता, प्यार से बता, तेरी बहन है, अब तो शादी होके आ गई सो आ गई, अब तेरी बहन है छोटी, समझ गई? ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब। ठीक है जाओ। हाँ, आगे से सुनना लूँ उसके बारे में कुछ। जाओ जाओ। अरे मुस्कान, अरे मुस्कान जी, अरे तुमने खाना वाना बनाया है नहीं? जी खाना तो बना लिया। बना लिया? हाँ हाँ हाँ, चलो लाओ मुझे खाना ला के दो, तुम बहुत भूख लग रही है मुझे। चलो ठीक है, तुम खाना रखो। पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अरे बनाने वाले की नियत बढ़िया होनी चाहिए, पसंद तो दुनिया कर लेती है। वो गिज्जी जी ने मुझे किचन में ही नहीं घुसने दिया, ये तो मैं छत पे चूल्हे पे बना। यार मैं बड़ा तंगे आ गया हूँ इससे, तेरी बड़ी जीजी से, इसने बड़ा मेरा दिमाग बुद्धि ही पूरी बेकार कर दी। वो तो यूं कह रही थी कि किचन में घुसने की जरूरत नहीं है, ये मेरा किचन है, और तू कौन है? तुमने कहा नहीं किचन तेरे बाप का है? नहीं, मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकती ना जी, जिसे मैं छोटी हूँ ना इसलिए। नहीं छोटी, अरे मेरी बात सुनो मुस्कान, जितना तुम दबोगी उतना वो दबाएगी, ये ध्यान रखो, समझ गई? जितना हक उसका है उतना ही हक तुम्हारा है, अब तुम भी मेरी पत्नी हो, इस बात को ध्यान रखो। मुझे पता था आप काम पे से आएंगे भूखे, जीजी ने तो कुछ बनाया नहीं, इसलिए मैंने खाना बनाया। जीजी तो काम चोर हो रही है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है अब, समझे? अब तुमने कुछ खाया नहीं? खाया नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। चलो तुम दोनों खाओ। आप खाओ, मैं खा लूंगी, अभी आ रही हूँ मैं। जी जी मुझे आवाज दे रही थी, आप खाना। तो एक काम करो, ये लोग खाना, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, हाथ पाथ धो के जब मैं खाऊंगा, ठीक है? ठीक है जी। हाँ तुम रख लो। सोनिया, ए सोनिया, अरे ये पंखा छोड़, पहले ये बता तूने क्या कहा मुस्कान से? मैंने क्या कहा? हैं, तूने किचन में जाने से रोका उसे, क्यों रोका तूने? मैंने किचन में जाने से रोका? हाँ क्यों रोका? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने उसे किचन में जाने से कब रोका? मैंने तो उससे कभी ये भी नहीं कहा कि तू किचन की तरफ अपना बंदर सा थोबड़ा मत दिखाइयो। देख पहले ऐसी बात सुन ले, समझे? ये दिमाग खराब करना मेरा बंद कर दे, ध्यान रख लियो, अगर ज्यादा दिमाग खराब करा ना तो घर से बाहर ही निकाल दूंगा, ये ध्यान रख लियो तू। मुझे इस धरती पे कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जो घर से बाहर निकाल सके। अच्छा, समझ में आ गई ना? हाँ, एक तू ही जनानी हुई है। अब तू बता चाह क्या रही है, पहले ये बता। मैं क्या चाह रही हूँ? हाँ। मैं तो कुछ नहीं चाह रही, सुनो मेरी बात। अरे तेरे में जनानी वाली कोई फीलिंग है या नहीं, पहले ये बता। एक मिनट बात तो सुन लीजिए आप। बात सुना, तू अपनी सुना पहले। तुमने दूसरी बीवी कर लाए। हाँ। वो भी स्वीकार कर ली, ठीक है? अब तुम उसे घर में रानी की तरह फरमाना चाह रहे हो, अच्छा, वो भी मुझे पसंद है ना? अब और इससे क्या जमा, पदरानी बना दू उसे, पटरानी बना दू उसे, क्या बनाऊ उसे? जो बनना है वो बनेगी, समझे? अच्छा। जो वही बनेगी, अगर तेरे यही झाल चाल रही, यही चाल डाल रही, यही
आप तेरा दिमाग रहा तो वही बनेगी, ये ध्यान रखियो। घर से बाहर निकाल दूंगा 2 मिनट में, घर ये मेरा है, मुझे ध्यान रखियो। ये घर आपका है? हाँ। तो ऐसी बात नहीं, जितना हक तुम्हारा उससे ज्यादा कई ज्यादा मेरा। अरे तो फिर हक के हिसाब से चल क्यों नहीं रही? ठीक है, तू क्यों परेशान करती उसको? तो ठीक है, एक काम कीजिए, जितना मेरे माँ बाप ने शादी में खर्च किया है उससे दुगना लगा के मुझे वापस दे दी। तेरे माँ बाप ने क्या दिया मुझे ये बता, क्या दिया तेरे माँ बाप? क्या दिया बहुत बता? कुछ, एक जोड़ी कपड़े में ले तो आयो, दिख रही है एक जो देने वाले तो ऐसे ही आते हैं। एक जोड़ी तो फिर कहूंगी, एक जोड़ी कपड़े में आई है तो है, संस्कारी तो है, तेरे जैसी उच्च तो नहीं है ये बता। संस्कारी? हाँ। वो तुम भी तो बहुत संस्कारी दिखाई दे रहे हो। क्यों? वो तो क्यों नहीं होगी संस्कारी? बिल्कुल होगी। हाँ, वो भी तो बहुत संस्कारी और तुम भी संस्कारी, दोनों ही संस्कारी। ऐसा है, फालतू की बातें बंद करना, ठीक है? देखो देखो, सुनो रे सुनो, हीर रांझा लैला मजनू इस घर के लिए रह गए थे मेरी छाती पे। जो भी है, हम चाहे हीर हो या राजा हो, समझे, ये घर की बातें हैं, पहले ये ध्यान रख, वो मेरी वाइफ है, तू भी है, समझे? नहीं, मैं नहीं हूँ आपकी, मेरी बात ध्यान रख। तो अपनी वाइफ कहना छोड़ ही दो, आपके मुंह से ये शब्द नहीं अच्छा लगता। अच्छा हाँ। चल तो तू यही चाहती है, एक और ले आऊं? एक और ले आऊं? बिल्कुल शौक से लेके आओ, अब मुझे मेरे दिल पर कोई जोर नहीं पड़ता, लेकिन उसकी ना उससे निपट लेना, वो अगर तुम्हें तुम्हारे नाक पिछवाड़े पर लात मार के जाए ना एक दिन में ही, तो मेरा नाम बदल देना जाओ। अरे दुख मत दिया, मेरे हाथों को खामे खामे पिट जाएगी, समझे? मैं किसी के हाथ, पहले मेरे पास सुन, ढंग में रहा कर, ढंग में, अगर ढंग में नहीं रही ना तो खाल उधेड़ के घुस भर दूंगा, ये ध्यान रखियो। अच्छा हाँ। मेरी खाल उधेड़ो? हाँ। मेरी खाल उधेड़ने से पहले उसकी खाल उधेड़ लो। हाँ, तो दिन भर जवान जोरी करती रहती है, बात काम करती नहीं है। बात को आगे क्यों बढ़ाते हो, तुमने किचन में जाने से उसे रोका? मैंने किचन में जाने से देखिए मैंने नहीं रोका, और अगर ऐसी बात है तो अभी उसकी चोटी पकड़ के घसीट के यहाँ लेके आती हूँ। पहले तुमने उसकी बेइज्जती करी, दूसरी यार ये समझे, ये बताओ चाहती क्या हो तुम? तुम्हें घर से बाहर जाना है तो बताओ। मुझे क्यों जाना घर से बाहर? जिसे जाना होगा वो जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा घर। अरे यार तुम जैसी औरतें ना पागल औरतें, दिमाग तुम तो दिमाग मानना ही बेकार है। मैं इस घर में तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है बिल्कुल भी। मेरी अकल ठिकाने नहीं है, आपकी लगता है आपके सिर में दर्द हो रहा है, चलो आपको सिर दर्द की गोली दुआ जाओ। हाँ सिर दर्द की गोली और दे दे, सल्फास की दे दे, मर जाऊँ सल्फास की। हाँ शुक्र मनाओ, ऐसी बीवी नहीं हूँ कि मैं सल्फास की गोली दे दूँ, वरना अब तक तुम्हारा कब का मन। वो तेरे चेहरे पे धरता है, तू मुझे बहुत प्यार करती है। मैं बहुत प्यार करती, अगर प्यार करती ना तो दूसरी ना आती। प्यार करती दूसरी ना आती है, उससे प्यार नहीं करती तभी तो दूसरी ले आए। हाँ तुझसे हाँ। प्यार करूँ? हाँ अपना सर फुटवाऊँ प्यार करके तुझसे? अच्छा हाँ। इतना सर फूट गया? हाँ पहले तो ये शादी क्यों करी थी? ये सर नहीं फूटता है, किस्मत फूटती है। किस्मत कैसे? मेरे माँ बाप के आगे भीख मांगी थी, कटोरा लेके भीख तुम्हारे आपने। हाँ तेरे माँ बाप भी तो आए थे दिया लेके, राजबाबू को देखने के लिए। मैंने तो, मेरे माँ बाप नहीं आए थे, तुम्हारे माँ बाप पड़ोसी आए थे, पड़ोसी आए थे, पड़ोसी ने सारी तय की थी हमारी। बहस नहीं करनी, अब ऐसा है तुम्हें जहाँ जाना जाओ, मेरा माइंड। मैं तो जा रहा हूँ, आगे से उससे कुछ कहियो मत। वो महारानी है। हाँ मैं क्यों कहूंगी उससे? महारानी है, इतना मेरी आंखों के सामने ना पड़े। अच्छा इस घर में रहेगी तो आंखों के सामने भी रहेगी, तेरे सामने खाएगी, समझे, सारे काम करेगी तेरे आंखों के सामने। तो मुझसे ना बोले तुझ पे दीदी, दीदी बनी बनती है दीदी की, दिखा देते ऐसे कितना प्यार उमड़ रहा है दीदी के लिए। मेरी बात सुन सोनिया, अगर वो शांत है ना, शांत है, अगर मैंने, अगर वो जिस दिन वो हो गई ना तो ध्यान रख लियो, इज्जत अपने हाथ में होती है, उतार देगी 2 मिनट में। अच्छा हाँ, छोटी बड़ी का ख्याल रख ले। मेरे मुंह में तो जीभ नहीं है, मेरे तो हाथ नहीं है। अरे चल यार, तुझसे कौन दिमाग मारे, तू भाड़ में जा, भाड़ में जा, वो सुलटी लेगी तुझसे। क्यों मार रहे दिमाग? ना ना ना, भाड़ में जा, जाओ जाओ जाओ, निकलो चलो। मुस्कान, ओ मुस्कान। हाँ जी 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 जी, इतनी आवाज लगा रही आ गई थी तू? काम कर रही थी मैं, और क्या कर रही थी? ओ एनर्जी तो देखो इसके अंदर ऐसी आ रही, मेरे ऊपर चढ़ेगी अम्मा। और तू, मैंने तुझे किचन में जाने से कब रोका है? क्यों क्यों कब रोका बता? पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाना चाहती हो? ओ हेलो, ऐसा तो हो नहीं पाएगा जी जी। ये स्टाइल किसी और को दिखाना चाहते हो? सुनो यहाँ ये स्टाइल चलेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई स्टाइल नहीं दिखा रही हूँ, समझ में आ रही है नहीं आपकी? अगर घर आपका है तो घर मेरा भी है, मैं भी कोई घूरे पसीने उठ के आई हूँ। अगर उनकी अनुमति है तो वो मोहब्बत करते हैं तो ब्याह के लाए, समझ में आ रही है नहीं? हाँ उनकी अनुमति से मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा। मोहब्बत करते हैं मुझसे, समझ में आ रही है नहीं? नहीं ये सोच, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, जो मेरी बदौलत है तू इस घर में है। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन ली आपकी, मेरी जबान ना ही खुले तो अच्छा है। अगर तुम इतनी प्यार करने वाली होती ना तो शायद वो मुझे ना लेकर आते। हाँ? और आज मैं तुम्हारे सामने ना खड़ी होती दीवार बन के। हाँ, दीवार बन। हाँ। दीवार तो तू है ही, जो एक पति पत्नी का घर उजड़वाया, पति पत्नी का प्यार नहीं
पत्थर जलाऊंगी, शायद मुझ में वो काबिलियत थी जो आप में नहीं थी। ओहो, तो एक बात बता, तूने पूरे हिंदुस्तान में तुझे मेरा ही पति मिला था क्या? तो पूरे हिंदुस्तान में आप ही मिली थी उनसे शादी करने के लिए, उनकी जिंदगी खराब करने के लिए। मैं नहीं आई तेरी तरह, मेरे माँ बाप गए थे शादी के लिए, रिश्ता लेके गए थे। अच्छा जी, एक बात बताओ, तुम्हें कौन से एंगल से लगता है मैं भाग के आई हूँ? भाग के? अरे तो एक बात बता, आज तुझे एक साल हो गया इस घर में, तेरे माँ बाप का कभी फोन आया? तेरे घर में से कोई आया है? तू अपने मायके गई? तू दहेज लेके आई इस घर में? क्या ना अच्छा। कपड़े ले, एक सूट में चली आई साड़ी में? अच्छा, ऐसे क्या ऐसे तो मंदिर में शादी करी, मांग भर दी, चलो जी लैला मजनू बन गए। चलो तो लैला मजनू वाली काबिलियत तो है हम में, शायद तुम में वो काबिलियत नहीं है। ना मेरे अंदर तो कोई काबिलियत है ही। सुनो देखो, तुम्हें परवाह हो ना हो, अब वो मेरे पति हैं, तो इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। पति तुम्हारे, तुम पे मोहब्बत जाए तो अपने तक रख लो, मेरे मोहब्बत में दम होगा तो मेरे पास रह लेंगे। बात ये है कि वो आने वाले हैं काम से। बात ये है कि इस घर में फैसला होगा, या तो तू रहेगी या मैं रहूंगी। तो ठीक है, उनसे बात करिए ना, मुझसे तो मत बात करो। ऐसे हाथ फैल, मुझसे बात मत कर। अरे जीजी देखो, तुम्हारी तरह मैं ऑड किस्म की नहीं हूँ। ऑड किस्म की नहीं हूँ, मैंने तो देख, सुन मेरी बात बहन, मेरी छोटी बहन, मैं तुझे एक बात बता दूँ। अरे तुम बहन जैसी बात कहाँ कर रही हो, तुम तो सौतनों से ज्यादा बदतर सौतन बन दिखा रही हो। प्यार किया तो अपने आदमी से, बस ऑलरेडी किसी से प्यार नहीं किया। अब तेरी तरह मैंने कोई पहले लव स्टोरी चलाई, फिर भक्के शादी कर ली, दूसरों का घर उजड़वाया, दूसरों का बच्चों का बाप छीन लिया, दूसरे के घर में आग लगा दी, ऐसा नहीं किया मैंने तेरी तरह। अच्छा हाँ। तो आप देखिए, आप कुछ भी कह लो, पति होना चाहिए मोहब्बत का, जमाना चाहे कुछ भी कहे। हाँ। और आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है, तो दुनिया को पता है, कहावत चली आ रही है, सौतन सौतन की कभी हुई नहीं। समझ में आ रही है? नहीं, मैंने तो तुम्हें जीजी बनाया था, जी बहन बनाया था, सब कुछ माना था, इज्जत भी करी, शायद वो इज्जत का गुड़ आपसे खाने नहीं आया। अरे तो तू मुझे एक बात बता, और वो इज्जत की स्टार्टिंग मैंने आपके रसगुल्लों से करी थी, शायद आपको वो भी राहत नहीं आई। ऐसी बात मत कर, रसगुल्ले तो उन्होंने मुझसे बहुत पहले खिलाए रसगुल्ले। तो ठीक है, अब खिला देंगे, अब खिला, अब देखते हैं कौन किसको क्या खिलाता है। रसगुल्ले नहीं खाए, क्या पता तुम दोनों की सलाह उसमें जहर मिला दियो, मेरी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश कर रही हो तुम। अरे इतने बुरे ख्याल आपकी ना तो मैं हूँ, कम से कम मुझ पे भरोसा नहीं है, तो ये तो शर्म करो, भगवान से डरो कि वो तुम्हारे पति, वो क्या तुम्हें जहर दे देंगे? यही तो तुम्हारी सोच में खराबी है आदमी, यही तुम्हारी सोच में खराबी है, तुम अपने पति को नीचा गिराती हो हमेशा। और मैं कितनी भी बुरी हूँ, मैं अपने पति को कभी नीचा नहीं गिराऊंगी। जब पति दूसरी शादी करके ला सकता है, तो दूसरी पत्नी को घर से धक्का देने में कितनी देर है? जब पति धमकी दे सकता है तो तुझे घर से, ये बात शुरू से कहते आए कि शायद आपकी मोहब्बत में जस नहीं था, शायद मैं इसलिए आके खड़ी हुई। तो इसलिए देखो जीजी, फिलहाल तुम मुझे माफ करो, मुझे बहुत काम है, वो काम पे जाने वाले, मैं खाना बना लूं, बात खत्म। और हो सका तो वो तुम्हारे पास आज के बाद आए भी नहीं, ठीक है? मैं जा रही हूं। क्यों नहीं आएंगे? वो खुद पूछ लेना। क्यों नहीं आएंगे? वो मेरे पास आएंगे, और तू कहे तो तेरे पास है, तू कहे तो तुझे धक्के मार के अभी निकालूं इस घर से। शायद मैं धक्के देने वाली चीज होती तो अब तक निकाल दिया होता। अच्छा, अभी तू कहे तो मैं निकालूं। चल, अरे बता, तुम्हारे निकालने से क्या पता ना, शायद तुम मुझे धक्का देकर निकालोगी ना। हाँ। तो खुद के हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, मैं दोबारा आ जाऊंगी। अच्छा हाँ, गलत कह रही है, अगर गलत, गलत कह रही है, निकाल के देखो। चलो हाथ लो, निकल इस घर। हाँ, ठीक है जी, निकल, आ रही हूं, निकल जा। ठीक है मुस्कान, अरे मुस्कान, अरे कहाँ हो मुस्कान, अरे मुस्कान, अरे खड़ी हो, कहाँ है मुस्कान, कहाँ है? मुस्कान को आवाज दी मुझे नहीं। अरे तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही। तो मुस्कान को आवाज दे रहे हो, मुझे थोड़ी नहीं दी, मुझसे थोड़ी नहीं पूछा कि मुस्कान कहाँ है, सोनिया कहाँ है। मैं तुझसे आवाज दे रहा हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है वो। देखो जी, कहीं गई होगी गुलशन में, तुम्हें नहीं पता, पूरे पूरे दिन फोन से लगी रहती है, सेल्फी खींचती है। जवान को लगाम दे, ऐसी नहीं है वो, ऐसी देखो। तूने खबरदार हो, तूने ऐसा कहा, ये बता तूने कब देख लिया उसको छड़े उतार दिए? मैंने खुद वीडियो कॉलिंग कर फोन से बातें कर दी, पता नहीं किससे कर दी। अच्छा। माँ बाप का, भैया का, किसी का, तुम्हारा तो फोन आता नहीं है जी। ओहो, मेरी बात सुनो, वो लड़की ठीक नहीं है। अच्छा, उसे निकाल फेंको घर से। ओहो, अरे इन्हें जवान को लगाम दे, समझ गई, ऐसी नहीं है वो लड़की। तो फिर क्या बताना जरा मुझे, अच्छा कैसी है, तुम ही बता। बहुत बढ़िया है, तुझसे तो लाख गुना बढ़िया है। देख, समय से मेरे कपड़े देती है, समय से खाना देती है, तू महारानी की तरह पड़ी रहती है। अब बता, तूने उसे निकाला क्यों घर से, ये बता पहले। मैंने देखो घर से नहीं निकाला, वो तो पता नहीं फिर कहाँ गई, जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गई? कहीं नहीं, बस थोड़ी सी झगड़ा हो गया था उसमें और मुझ में। मैंने झगड़ा? हाँ। किस बात का झगड़ा हो गया? बस इसी बात का झगड़ा हो गया, यूँ कह रही थी कि मैं, मुझसे कह रही थी कि तुम्हें घर से निकलवाऊंगी इस घर से। ओहो, मुझसे कह रही थी वो, उल्टा चोर कोतवाल उठा रहा है। मैंने फिर कह दिया, मैं इस घर से क्यों निकलूं, तू निकल अब इस घर से।
अच्छा मैंने निकाल दिया उसे, तो इसका घर की मालकिन में। इसका मतलब तुमने उसे घर से निकाल दिया? मैंने तो झूठे को कहा था, मुझे क्या बताती कि वो सच्चे को चली जाएगी। ओहो, ये तुमने बहुत गलत किया। देखो मेरी बात सुनो, अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैंने अपने दिल पे पत्थर रखे, मैंने वो तुम्हारी पहली बीवी बर्दाश्त कर ली, समझ में आ गई ना। लेकिन अब इस घर में अगर वो आई तो फिर सोच लेना, मैं चाहे मुझे जेल जाना पड़े मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, ये ध्यान रखना। हाँ, मैं विधवा होने के लिए राजी हूँ, लेकिन वो इस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हाँ जाओ। अच्छा। हाँ नहीं आएगी वो इस घर में, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और भी तुम्हें ये नहीं पता, अगर मैं चाहती ना तो मैं तुम्हें केस कर सकती थी, तुम पे जेल जा सकते थे। हिंदू धर्म में दो बीवी अलाउ नहीं होती है, समझ में आ गई ना। और तुम तीसरी करने की कोशिश कर रहे हो, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? तुमने मेरी फीलिंग्स का कदर नहीं करी, मेरी फीलिंग्स होगा ठीक है ना, कि मशीन में कपड़े धोने नहीं आते। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं कौन नहीं हूँ? मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता। तुम चुप रहो, मेरी बात सुनो पहले। मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता क्या? नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, पति नहीं है, कौन नहीं है, भक्के नहीं आए जैसे तुम भगा के लेके आए हो, समझ में आ गई ना। साथ फेरे लिए हैं अग्नि के सामने, कसमें और रस्में खाई है मैंने, ये ध्यान रखना। अच्छा। हाँ, वादे निभाती हूँ। हाँ, परिवार को चला रही हूँ मैं। अच्छा। इस तरीके से नहीं आए जैसे भगोड़ियों को ले आते हो। हाँ, पहले मेरी बात सुनो, समझे? जो हुआ सो हुआ, तुमने उसको निकाला क्यों पहले बताओ। मैंने देखो इसलिए निकाला, वो मुझसे बहुत जवान चोरी कर रही थी, बहुत बदतमीजी, हाथ तक उठाने पे मेरे पे वो आ गई थी। वो तो मैंने उसे कह दिया, मैंने तू अपने यहाँ से जा, अपने घर जा, कहीं भी जा, जहाँ से वो तुझे लाए वहीं जा, बस। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने अच्छा किया हो या गलत किया हो, अब मैंने वो निकाल दी, मैं इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगी। अगर वो इस घर में दोबारा आई तो तुम दोनों को इस घर से निकालूंगी, तुम भी उसके साथ जाओगे, और तुम्हारा बैग वो तैयार रख दिया मैंने। तो क्या करवाएगी, तीसरी शादी कर लाऊं फिर? तीसरी करके दिखा दो तीसरी। दो शादी तो तुम पे झिल नहीं रही है, तुम तीसरी के मारे ना, तुम्हारे तन पे ये कपड़े पहन रखे ना महंगे महंगे, ये सर पे बाल है ना कंडीशनर यूज करते हो, सकल पे 12 ना बज जाना तो मेरा नाम भी बदल के रख देना। हाँ, अच्छा। हाँ। अरे मुस्कान, ए मुस्कान, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ जी। अरे क्यों जा रही हो घर पे? क्योंकि आपकी जो पहली पत्नी है ना, उसने मुझे बहुत ज्यादा जलील करा है। अरे यार उसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। जब आपको ये पता था जी वो इतनी बुरी है और इतनी उनमें आदतें खराब है, तो शायद आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी। अरे क्या बताऊं मुस्कान यार, मैं बहुत परेशान हूँ उस औरत से, बस जब से वो मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी नरक ही हो गई है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। पर मेरी बात सुनो पहले, ठीक है? अब ये रोना धोना छोड़ो, चलो तुम मेरे साथ चलो, उसी घर में रहेंगे हम, अलग रहेंगे। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अलग घर लेकर रहोगे तो मैं रहूंगी, और उस औरत से तुम्हें वास्ता खत्म करना पड़ेगा। अरे अब तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं है आपको मुझसे प्यार है। मेरी बात। अरे अलग घर रहेंगे हम तो फिर किराए पे रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। हाँ तो किराए पे रहेंगे ना, क्या आप कमाते नहीं है? क्या आपकी कोई वैल्यू और इज्जत नहीं है? जब भी तो उधर चढ़ के बोल रही थी कि मेरे माँ बाप ने ये दिया तो तू भाग कर आ गई। मेरी बात सुनो मुस्कान, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। देखो ऐसा होता है कि समाज वाले मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे समाज वाले मोहल्ले वाले, कि ये कहेंगे कि दो बीवी हैं, दोनों घर से बाहर रहती हैं, समझे? अलग अलग, एक कुमार रख रखा है, एक कुमार रख रखा है। मेरा कहना यही है कि किसी को बात मालूम ना पड़े, एक ही घर में तुम अलग रह लेना, वो अलग रह लेगी, ठीक है? चलिए तुम्हारी बात ठीक है, उससे ये कह देना अपनी पहली बीवी से कि अब उसका मेरा बड़ेपन का छोटेपन का मैं अपनी पे आ गई ना, तो सच बता रही हूँ, या तो तुम उससे मुझसे हाथ धो बैठोगे जी, और आज के बाद आप मेरे सामने उस औरत से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे मालूम है आप जितना मुझसे प्यार करते हैं उससे नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ, उसने मुझे बहुत अपमानित करा है, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, तेरी कसम, ठीक है? हाँ चलो। अरे भगवान क्या करूं, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। राजबाबू पहली दूसरी, पहली के पास जाओ तो दूसरी नाराज, दूसरी के पास जाओ दूसरी नाराज, अब क्या करूं? अब बड़ा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भैया, क्या करूं? अरे मैं चलता हूं अपने दोस्त शिवम के पास चलता हूं, वही कुछ उपाय बताए मुझे। हाँ उसी के पास बताऊंगा भैया, वही बड़ा जुगाड़ी आदमी है, वही बताएगा मुझे तो कुछ ना कुछ, वही हल बता सके। चलो चलते हैं भैया। अरे राज, अरे राज मेरे भाई। अरे क्या है शिवम भाई? अरे क्या हो गया? अरे बड़ा परेशान हूँ यार, बस तुम पूछो ही मत, हालत बुरी खरास खस्ता है यार। नहीं बस बहुत सुस्त सा दिखाई दे रहा है, बताओ हो क्या गया, बता दो, बता कंडीशन क्या है यार शिवम भाई। हाँ बस जिंदगी झंड हो गई है,
बस तुम पूछो मत, उसका कोई वो भी तो होगा क्या, किस आधार पर? वो नहीं, मेरी बात सुनो, हुआ क्या यार, तुम्हारी एक भाभी तो थी पहले, ठीक है, उसने मुझे परेशान कर रखा था यार। अच्छा। अब मैं उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दूसरी भाभी और ले आया तुम्हारी। अच्छा। हाँ। अब बड़ा बस इतना दुखी हूँ, बड़ी के पास जाऊँ तो छोटी वाली दुखी, छोटी के पास जाऊँ तो बड़ी वाली दुखी। बस पूछो मत, बड़ी वाली तो भैया इतना आतंक काट रखा है कि वो डटने ही नहीं देती छोटी वाली को। लेकिन तुम्हें क्या बताऊं शिवम भाई, मैं सबसे ज्यादा प्यार छोटी वाली को करता हूँ। छोटी वाली को करते हो तुम? हाँ। अच्छा, जो जो बड़ी वाली आई है उसको, जो बड़ी वाली है? अरे उसको प्यार करता था और उसने प्यार के लायक ही नहीं समझा तो क्या करूं। अब तो प्यार तो बांटना ही, प्यार तो अपने आप ही बढ़ जाता तुम्हें। अच्छा। मालूम है नहीं तो बहुत ज्यादा मुसीबत में हो। हाँ। अच्छा बस यार तुम शिवम भाई कोई उपाय बताओ यार, बड़ा परेशान हूँ। तुम उपाय बताओ मुझे बस। उपाय बस एक हो सकता है राज, मैं बताऊँ तुमको। हाँ। क्या देखो, दोनों का अपना एक एक टाइम टेबल बना लो और इनको अलग अलग कमरे अलग अलग जगह दे दो, जो कि अगर ये मिलेंगी तो वहाँ दरार पड़ेगी। हाँ। वहाँ दरार पड़ेगी अगर ये मिलेंगी तो। हाँ। अगर ये मिलेंगी वहाँ दरार पड़ेगी, इसलिए इनको अलग अलग या तो रूम दो या इनका अलग अलग एक आध प्लॉट खरीद दो, कि एक में वो बड़ी वाली रहेगी एक में छोटी वाली रहेगी, और दोनों के पास संकोच से जाओ आप, समझे? बात तो ठीक कह रहा भाई। बस जो मतलब मैं जो जानता हूँ, जो समझाने लायक हूँ, वो मैं आपको बता दिया। नहीं बात तो ठीक है। हाँ, क्योंकि फिर इनमें दरार नहीं होगी कभी भी, और ना तुम्हारी टेंशन होगी कि अरे ये उसको देखकर चढ़ रही है, वो उसको देखकर चढ़ेगी, समझे? तो वही है बात का कुछ तो मेरी समझ में, कुछ कुछ तो आ रही है। हाँ। कुछ नहीं आ रही है, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, एक को तो किराए पे रखना पड़ेगा, दूसरी को घर में ही। हाँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भाई फिर मेरे काम की दिक्कत आएगी, काम की दिक्कत, सुबह का काम शाम में करना पड़ेगा, शाम का काम दोपहर में करना पड़ेगा, बड़ा बस इसी वजह से टेंशन में हूँ यार बस। हाँ। नहीं, दोनों से ये विध मिला लो कि मतलब मैं घर में नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे काम भी करना है, क्योंकि उनको पैसे भी तो देने हैं। अब औरतों पे तो काम करा नहीं सकते हो तुम। सही बात है, सही बात है। अगर कोई भी औरत अगर तुम्हारे घर में से काम पर जाती तो चार गलीवारे देखेंगे और चार लोग थूकेंगे, अरे देखो कैसा आदमी है जो कि लुगाइयों की कमाई खा रहा है। नहीं सही बात है, नहीं वो तुमने बात ठीक है, उसके तो कोई बात ही नहीं है शिवम भाई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, समझे, मैं उनको टाइम अब दे तो जाऊंगा, समझे, अब मुझे अपने काम का शेड्यूल बदलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल वो तो बदलना पड़ेगा भाई जी। चलो बिल्कुल, धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा मेरा उपाय। नहीं, बिल्कुल, अरे तुमने बहुत दुविधा से निकाल दिया। हाँ, शिवम भाई तुम्हारे साथ बहुत बढ़िया, तुम ग्रेट हो। हाँ, ठीक है, और बहुत बढ़िया ग्रेट हो, निकल लो यहाँ से, बहुत देर रहेगी तुम्हें। सोनिया, अरे सोनिया जी, देख मेरी बात सुन, अब तो मामला हो गया शांत, समझी, तुम यहाँ रहोगी इस घर में और वो उस घर में रहेगी, समझे, ना तुम उसे देखोगी ना वो तुम्हें देखेगी, ठीक है, मैं अपने काम पे टाइम पे जाऊंगा, ठीक है, एक टाइम में तुम्हें दूंगा, एक टाइम में उसे दूंगा, ये ध्यान रखना, समझ गई? ठीक है। हाँ बिल्कुल, आगे से कोई भी बात मेरी कानों में नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना यार। टुकड़े की बात तो ऐसी है, कभी कभी मेरा ही मन करता है उसको, मतलब कभी मेरा हाथ में नहीं, ये समझ में नहीं आता, आपने क्या सोच के शादी करी थी उनसे? अरे शादी तो सब कुछ सोच के, शादी तो माँ बाप कर गए, डाल गए मेरी लूट, मेरी जिंदगी में ये लूट जितनी भी है, समझे, अब जो हो गया सो हो गया, मेरी बात सुनो, समझे, अब मुझे बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मेरी बात सुनिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं। हाँ। और आप पहले तो दिमाग पर टेंशन मत लीजिए, मेरा कहना यह है कि आप वहां मत जाया करो, महीने के पैसे भिजवाया करो। अच्छा, ऐसी शादियां होती हैं जहाँ पहली पत्नी ज्यादा बेकार होती है, तो वहां पर लोग पैसे भिजवाते हैं, पत्नियों से वास्ता नहीं रखते, आप भी खत्म कर दो। अरे तो उसने तो मुझे आना ही बंद कर दिया मेरा तुम्हारे पास, अब क्या करूं मैं? आप मेरी सुनेंगी कि उसकी? अरे तो मुझे दोनों की सुननी पड़ेगी, तुम्हारी भी और उसकी। आप सिर्फ मेरी सुनेंगे, आप उसके पास अब नहीं जाएंगे। अरे यार मैं बड़ा बड़ा फंसा भाई, क्या करूं? आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसके पास नहीं जाएंगे, महीने के पैसे आप भेजिए किसी के भी हाथ, आपके वो दोस्त शिवम जिनकी आप बात कर रहे थे उनके पास भेजिए, बस आप नहीं जाएंगे, मैं नहीं चाहती हूँ, आपसे बेइज्जती करती हूँ, निर्लज्जा से बात करती है, आपकी तौहीन करती है, हर चीज में आपको नीचे दिखाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आपकी बेइज्जती करें, बस वो आपको पति कम गुलाम ज्यादा समझती है। ठीक है, तुम्हारी भी माननी पड़ेगी। हाँ, अब क्या करूं? चलिए ठीक है, चलो मैं काम करूं। चलो ठीक है। अरे सुनिए, आप टेंशन खत्म करिए, आप जाके नहा लीजिए। क्या हो रहा है यहां? मैं हो क्या रहा है यहां? तुम कैसे हैं? मैं कैसे? मैं तो तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि पहली बीवी जो हूँ ना, भगोड़ी थोड़ी हूँ मैं, ठीक है? अपनी जबान को लगाम दो, बोलने आता है, अगर मेरी जबान खुलेगी तो इज्जत 2 मिनट में मट्टी मिल जाएगी। अच्छा, याद रखना, और इतनी इज्जत दे रही हूँ ना सिर्फ इनकी बदौलत है, क्योंकि आपकी पत्नी है।
सुन पहले मेरी पहली बात तो मैं अपने पति से बात करी, तू बीच में कौन होती है? तो मेरा नहीं पति है वो, मेरे सामने तो मेरे पति से बदतमीजी से बात कर रहा है। चलो चलो मत यहां करो। तुम कैसे आए थे? अच्छा कैसे आए तुम? आप इधर आइए जी। कैसे आए तुम? अच्छा तुम मेरे सामने मेरे पति को मारोगी? मेरे पति है वो, मेरे हाथ उठ जाए। हां हां हाथ उठ जाए। हां बिल्कुल उठ जाएगा। मेरे पास आप आए समझा लो, मैं आपकी इज्जत कर रही हूं इसलिए। सुन लो, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम नहीं जाओगे ना वहां पे? तुम मेरी माँ नहीं, तुम अनोखी नहीं, तुम अनोखी पति नहीं हो, तुम अनोखी पति नहीं हो। अनोखी पति नहीं, इकलौती बीवी हूँ। पति मेरे मेरे भी मेरे पति है, मेरे पे भी मेरे मेरे भी पति है। ठीक है, मेरे पास मेरे पति है, मेरे मेरे पास ही आएंगे वो, मेरे पति है। हाँ बिल्कुल, हाथ हटा ले, इधर आओ जी, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ जी, इधर आओ जी। तुम आते हो या नहीं? इधर आओ। अरे काट दो मुझे, आ अरे तुम रख लो, अरे तुम रख लो। पति ऐसी बात मत करो जी, आप भी ऐसी बात मत करिए। मैं सात फेरे कर रही हूं आपके साथ आई हूं, और इसकी तरह भगोड़े की तरह नहीं आई मैं। देख लो इसकी जबान, संभाल लो। मुझसे आतंक काट के रख दिया तुम दोनों ने यार, मेरी जिंदगी जिंदगी एंड हो गई। जिंदगी एंड तुम्हारी नहीं, जिंदगी तो आज हमारी एंड होगी। मैं तुम्हारे सामने अपनी मौत करके दिखाऊंगी, वरना इसे घर से निकाल दो तुम। तो सही है ना, मर जाना हम दोनों के रास्ते साफ होंगे। मरूंगी नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो नहीं चल रहे हो? नहीं जाएंगे वो तुम्हारे साथ, कहीं जाएंगे कैसे? नहीं जाएंगे, नहीं मेरे साथ चल रहे हो नहीं चल रहे हो? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे वो तुम्हारे साथ, नहीं जाएंगे। अरे यार तुम्हारी दोनों की क्या करूं, मर जाऊं? नहीं जी नहीं, आपके आप ऐसी बातें मत करो। आपके जो भूल हो गई हो गई, दुश्मन मरेंगे। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं मोहब्बत करती हूँ तुम्हारी तरह। देखो जी, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ ना, आपको मेरी कसम, तुम चलो घर पे। अच्छा, तुम जैसा कहो आपको मेरी कसम, इस चंडाल जी से आप दूर रहेंगे। अरे इस डायन से दूर मत रहना, इसकी कोई पता नहीं तुम्हें मरवा भी सकती है। ये अपने यारों के पीछे इतनी गंदी लड़की है ये। चलो तुम जवान को देख रहे हो, जवान को मुझसे कह रहे हो तुम, उससे क्यों नहीं कह रहे हो? देखो उससे क्यों नहीं कह रहे हो? अभी तक मेरे बारे में बात नहीं हो, तुम चल रहे हो, मेरा हाथ उठ जाएगा आज तुम पे, मैं आज तुम्हारी दही तोड़ के डाल दूंगी। हाँ ठंडे दिमाग से काम ले, और तुम भी समझे, तुम अपने घर में रहना और तुम अपने घर में, मैं चला तुम दोनों ही रहो, ठीक है? तुम भी अपने घर सुखी रहना और तुम भी रहना, ठीक है? मेरी तो आई आफत, मैं तो जा रहा हूँ, तुम दोनों को छोड़ के। बातें मत करो, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। अजी सुनिए जी, सुनो तो सही अजी, अजी अरे अजी अजी क्या कर रही है? सब तेरी वजह से हुआ है, मेरा पति तेरी वजह से छोड़ के चला गया। अरे तेरी वजह से, तेरी वजह से। मैं तुझसे कह रही हूँ, देख छोटी, मैं तेरा फिर भी छोटी कह रही हूँ तुझसे, तू इस अरे चली गया। अगर तुम मुझसे छोटी कहती ना तो मेरी याद धगड़े लगी ना थी मेरे आदमी के सामने। देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तुझे क्या चाहिए? पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू हमारी जिंदगी से दूर चली जा, तूने मेरा पति मुझसे दूर कर दिया। जी ये बात मत कहो, पति वो तुम्हारे तो पति मेरे भी है वो। तू क्या साथ फेरे लिए उसके साथ? नहीं मैं भाग कर आ गई थी। क्या सही आई दिख रही है? अरे ये मंगलसूत्र 2 रुपए का, 10 रुपए का खरीद के अपने गले में डाल लिया तो पत्नी बन गई तो थी? अच्छा है? उनके हाथ दिल पे हाथ रख के पूछो, पत्नी हो ना तुम उनकी पहली, उनके दिल पे हाथ रख के पूछो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं तो मोहब्बत हूँ ना, मजदूर वो भी तुमसे हो जाएंगे, याद रखना। मैं तो पत्नी हूँ नहीं, मेरे साथ तो बच्चे थे नहीं। वो बात तुम्हारी सब कुछ ठीक है, प्यार वो तुमसे आज भी करते हैं, शायद इसीलिए तुम्हें आज तक बर्दाश्त करते आए हो। बर्दाश्त कोई बात, पति होता ना तो आग लगा के कब का मार दिया होता। सुन पहले मेरी बात, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो तेरा घर कभी नहीं उजड़वाती, लेकिन तूने तो शर्म नहीं आई एक औरत से उसका पति छीनने? कोई पति नहीं छीना मैंने। हाँ, हाँ। मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं इसलिए घर में मोहब्बत, ये ऐसी ऐसी मोहब्बत बाहर में जाए जो दूसरी पत्नी का अधिकार छीन ले। कोई अधिकार नहीं छीना, अगर मैं तुम्हारा अधिकार छीनती ना तो तुम्हारी इज्जत ना करती, उस घर में ना आती और तुम्हारे चार नखरे ना सहती मैं। सच बात तो ये है कि मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुमने मेरी इज्जत नहीं करी। अरे अरे अरे, हाँ। अरे भाई, अरे क्यों लड़ रही हो, क्या बात हो गई? नमस्ते भाई, जी, नमस्ते भाई। हाँ जी नमस्ते, नमस्ते। अरे क्या बात हुई, क्यों लड़ रही हो तुम इतनी जोर जोर से, बाहर तक आवाज जा रही है? भाई मैं नहीं लड़ रही हूँ, बात तो ये है कि आज इन्होंने वो हरकत करी है जो नहीं करनी चाहिए। अरे भैया एक बात बताइए, इसे शर्म नहीं आई उसकी बीवी होते हुए भी तो उसके घर में शादी करके आई है, पति पत्नी का रिश्ता खराब करवा दिया, मेरे बच्चे अपने बाप के लिए तरस गए, इसमें तो बच्चे नहीं है, है? ये तो भक्के आई है उनके साथ। अरे तो भाई लड़ क्यों रही हो? मैंने लड़े तो क्या नहीं करे, इसकी आरती उतारू मैं, पूजू इसे, है? देखो भाई इनकी सुन ली। हाँ, एक बात बताओ। हाँ, अगर अगर इनमें ही गुण होते हाँ, तो शायद मैं यहाँ ना होती,
अगर मैं खराब होती तो इन्हें इज्जत ना देती, सम्मान ना देती, इनके घर में आके नहीं बैठती। इन्हें मैंने सरसरा को रखा, इन्होंने हमेशा कड़वा बोला, बदतमीजी करी, उनका तिरस्कार करा हर बात से। ये मत करो वो आ रहा, आज इन्होंने इतनी हद पार करी है, आज मैं इनके सामने खड़ी हूँ इनकी कमी की वजह से। पति वो आखिर मेरे भी हैं, कोई औरत उन्हें मारेगी तो मेरा दिल नहीं दुखेगा? आखिर तुम भले ही उनकी पत्नी हो तो पत्नी मैं भी हूँ, मेरे सामने तुम डंडे से मार रही हो, ये कह रही चली हाथ के पास से, मैं कौन हूँ? धगड़ी थोड़ी ना हूँ कि बीवी हूँ, धर्म पत्नी हूँ मैं उनकी। हाँ तो इनकी ये बात मुझे सख्त गलत लगी। तुम मुझे ये बात बताओ, पति अगर गलत चलेगा मान ना मानने पे भी इतनी समझा लिया? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, अगर वो तुम्हारे पास जा रहे तो मैं भी डंडा लेकर आऊं मारूं, तो तुम मेरे मुझ में क्या फर्क रह गया? शायद इन्हीं बातों की वजह से तुम आज ये। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई। मेरा पति मारू काटू कुछ भी करूं, तुझे पति का मतलब? मेरे भी पति हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, तेरी शादी का प्रूफ तो दिखा मुझे, तूने शादी कहाँ करी? अरे बात ले गई, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू बहुत ज्यादा बड़बड़ करती जा रही है। भैया जी देखो, तुम मेरे भैया में, इसलिए आपसे कुछ कहती नहीं। अरे तो भैया तो समझा रहा हूँ, तो मतलब चुप होने का कोई वो नाम नहीं ले रही, बड़बड़ करती आ रही है मेरे सामने भी। बड़बड़ करती उसकी तो तुम्हें समझ में आ रही है, मेरी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। समझ में आ रही है उसकी भी, लेकिन तू ज्यादा कर रही है, वो तेरी ज्यादा बता रही है, वो मुझे भी लग रहा है तेरी इतना। पहली बात तो ये, तुम अपनी बीवी के लिए दूसरी बीवी ले आओगे? तुम भी उसी के जैसे हो जाओगे? नहीं मैं तुम्हारी जैसी नहीं है ना, यूं नहीं लाएंगे। तुझे में कमी है, जब तो राज वो दूसरी बीवी लेकर के ले आया इनको। तो करने क्या आयो, पहले ये बता दो क्या क्या करने आया? मैं बाहर खड़ा हुआ था, बाहर से निकल रहा था, और तुम दोनों में लड़ाई हो रही थी, इसीलिए अंदर आए हुए। बताओ भाई राज के घर क्या हुआ? हम सुलझा लेंगे, समझ में आ गई? आग में घी मत डालो तुम, मेरे दोस्त का घर है, मैं तो आऊंगा, दस बार आऊंगा यहाँ पे। दोस्त का घर है? शायद तुम्हारी इसी जबान की वजह से तुम किसी की अच्छी नहीं हो, चाहे मेरी चाहे अपने आदमी की चाहे भाई की, किसी की सगी नहीं हो सकती। सुनो, जबान में जस लिया। सुनो, मैं तो जस लिया हूँ अपने घर में, अपनी जबान में, है? और तू आज तू मेरे पति, आज तूने मेरा घर बिगड़वाया, कल तू किसी और का घर बिगड़वाएगी। क्यों बिगड़वाऊंगी? क्यों बिगड़वाऊंगी? इनके प्यार में क्या कमी है जो मैं किसी का घर बिगड़वाऊंगी? तुम जैसी के लिए कमी पड़ जाती है। तू यहाँ प्यार नहीं करने आई, मेरी प्रॉपर्टी पैसा सब लूटने आई, उससे प्यार का नाटक कर रहा है। भाई शांत हो जाओ, शांत हो तुम भी। देखो सुनो, राज ने प्लॉट लेकर डाल दिया है, वो मेरे को बता रहा था, है ना? अब ये तू हो गया, तू वहां रहेगी और ये इधर रहेगी, ठीक है? और तुम दोनों में कभी लड़ाई नहीं होगी, और ना तुम मिलोगी और ना लड़ाई होगी। ये ठीक है भाई, तुमने उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रखी है तुम दोनों ने मिलकर के, और खासकर इसने। ठीक है भाई। भैया देखो मेरे बारे में मत कहो ऐसा। मैं क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? देखो मेरे बारे में मत कहो, अगर मैं ज्यादा बुरी हूँ ना तो सोच लेना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे जान दे दे, मतलब तू उसकी जिंदगी बर्बाद करेगी लड़के की जिंदगी? लड़के ने जो मेरी जिंदगी बर्बाद करी है उसका कुछ नहीं है तुम्हें? अगर जिंदगी बर्बाद करते ना जीजी, तो तुम्हें अब तक डिवोर्स दे दिया होता। तुम्हारे इतनी नखरे ना सहते, और आज वो तुमसे प्यार ना कर रहे होते ना, तो इस ऐसी लाठियों से ऐसा करो, दोनों सुनो, पिटते नहीं, यही समझो तुमसे कितना प्यार करते हैं, शायद तुम्हें अकल नहीं है। अरे 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 शांत हो जा, शांत हो जा। अब देख तुम वहां निकल जा, वहां निकल जा जल्दी, टाइम हो रहा है, जल्दी निकल जा तुम वहां, और तुम यहीं रहो, ठीक है ना? तुम दोनों नहीं रहो, एका लड़ाई मत करना, मैं सुनना लूंगा बेटा, निकल लो यहाँ से। तुम दोनों नहीं, वो मेरे भी पति हैं। कहाँ? मेरे पास भी रहेंगे वो। अरे दोनों के पास आने मेरा है, कौन अधिकार मेरा है? मैं चाहूंगी तो इसके पास आएंगे, और अगर मैं ना चाहूंगी तो ना आएंगे। तो भाई शादी तो दोनों से ही करी है उसने। पहले इस घर में कौन आया है? क्या अरे पहले तक तुम आई हो तो ये आई हो, लेकिन दोनों के लिए सम्मान तो उसकी नजरों में बराबर होगा। उनकी नजरों में सम्मान बराबर नहीं है, नहीं है उनकी नजरों में ही तो नहीं है। अरे बोल, उनकी नजरों में नहीं है। उसको मैं समझा दूंगा, वो दोनों के पास आएगा, तुम पहले जाओ और निकल लो यहाँ से, जाओ। कोई काम कर रहे हो सच बोल के करो। बिल्कुल कर रहे हैं। बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? वो बोलते हैं झूठ। नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। अब तुम जाओ, जाओ जाओ, तुम जाओ घर जाओ, और तुम भी जाओ, तुम भी काम करो, जाओ चलो, और लड़ाई मत करना। हाँ राम राम, नमस्ते, जाओ। भाइयों नमस्कार। देखा आपने दो दो बीवियों का नजारा। और कभी भी भाइयों, कभी भी दो दो शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, हमेशा एक है तो एक से काम चलाएं, प्यार से रहें, उससे प्यार से बात करें, और अपने घर बार में सुख शांति को प्रदान करें। और भाइयों बस मैं तो यही चाहूंगा, कभी किसी के घर में लड़ाई ना हो ऐसी, बस राधे राधे। हेलो गाइज, हमारा आपको ऐड कैसा लगा? प्राइमर्स हिंदी वीडियो पर हमने एक नया ऐड बनाया है, दो बीवियों का फंदा। अगर आपको कहानी और इसमें कोई सीक्वेंस अच्छा लगे तो प्लीज जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज 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 बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल्स प्राइमर्स हिंदी वीडियो पे और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपका अपना राज और ये मेरी टीम सभी लोग।
हाय गाइस, मैं सोनिया चौधरी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगी कि हमारा नाटक कैसा लगा, आप लोग हमें इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे तो आगे हम आपकी इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। और मैं एक सलाह और दूंगी, दो शादी कभी ना करें, क्योंकि इस तरीके से आज हमें झगड़ा हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। बाय बाय।